चीन की साम्यवादी तानाशाही अपनी आक्रामक नीतियों के दम पर विस्तारवाद को बढ़ावा दे रही है, और फिर भी उसकी मंशा है कि उसे शांति प्रिय देश के रूप में देखा जाए। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने हाल ही में दावा किया कि अपने 5000 साल के इतिहास में आक्रामकता और विस्तारवादी कभी चीन के जीन में नहीं रहे। एक पुरानी कहावत है कि आप जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कैसे भारत के खिलाफ संघर्ष छेड़कर जिनपिंग खुद अपने ही जाल में फंसते नजर आ रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले नॉलेजेबल वीडियो भी आप देख सके। चलिए आज के ही वीडियो शुरू करते हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग बहुत सख्ती से चीन में केंद्रित वैश्विक ढांचा बनाना चाहते हैं। उनकी कोशिशों का वैश्विक स्तर पर प्रतिरोध भी हुआ और अमेरिका के साथ टकराव भी बढ़ा। इससे चीन के अंतर्राष्ट्रीय अलगाव की आशंकाएं बढ़ गई हैं। भारत के साथ सीमा पर तनातनी शी जिनपिंग की अनप्रोडक्टिव पॉलिसी को बेहतर तरीके से दर्शाती है। अप्रैल और मई में शी जिनपिंग ने भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर अपनी सेना को चुपके से घुसपैठ करने का निर्देश दिया। इसके पीछे उनकी मंशा एशिया में भारत के कद को घटाने और चीनी दबदबे को बढ़ाने की थी। हालांकि ये दांव उल्टा ही पड़ता दिख रहा है। लद्दाख के ऊंचे इलाकों में निर्जन जमीन हथियाने की चीनी मंशा को भारत की ओर से कड़ी चुनौती मिली। इसने चीन की क्षमताओं और ताकत को लेकर शी जिनपिंग के समक्ष विकट स्थितियां पैदा कर दी हैं। इस पूरे घटनाक्रम का सार यही है कि शी जिनपिंग ने दुनिया में अगले बड़े टकराव के बीज बो दिए हैं। दुनिया की एक तिहाई से अधिक आबादी और वैश्विक अर्थव्यवस्था में करीब 20% हिस्सेदारी रखने वाले भारत और चीन के बीच रिश्ते अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन फिलहाल दोनों के रिश्ते कठोर बने हुए हैं। जब हिमालयी क्षेत्र में युद्ध का साया गहरा रहा हो, तब शी जिनपिंग ने हाल में कम्युनिस्ट पार्टी सरकार और सैन्य नेतृत्व को भारत के साथ सीमा पर अपनी स्थिति मजबूत बनाने और सीमा सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। लद्दाख में सीमा रेखा के इर्द गिर्द कई मोर्चों पर चीनी सेना द्वारा धोखे और हैरत में डालने वाले हमले ने भारत को शॉक कर दिया। हालांकि शुरुआती दौर में चीनी सेना को मिली बढ़त के बाद भारत के जबरदस्त सैन्य पलटवार ने चीन को पीछे खदेड़ दिया। इस दौरान तीन घटनाक्रमों ने भारत के खिलाफ शी जिनपिंग की सैन्य योजना के सैनिक शासन को तोड़ने का काम किया। ऊंचे इलाकों में छिटपुट संघर्ष की स्थिति में भारतीय सेना चीनी सेना की अनुभवहीनता पर भारी पड़ती है। चीनी सेना ने आखिरी लड़ाई 1979 में वियतनाम में लड़ी थी, जहां उसे शर्मसार होना पड़ा था। इन तीन घटनाक्रमों में पहला ये है कि भारत ने भी सीमा पर चीन के बराबर सैन्य तैनाती की हुई है। ये किसी भी नए उकसावे पर करारा जवाब देने की उसकी तड़प को ही दर्शाता है। भारत ने सैन्य जमाव के साथ ही भीषण सर्दियों के दौरान रसद आपूर्ति यानी लॉजिस्टिक सप्लाई के लिए भी पूरी तैयारी कर ली है। दूसरा घटनाक्रम गलवान घाटी में भारतीय जवानों द्वारा चीनी सेना को करारा सबक सिखाने से जुड़ा है। गलवान की झड़प में चीन को करीब 4 दशक बाद अपने सैनिक गंवाने पड़े। ये शी जिनपिंग के लिए शर्मिंदगी का सबब बना, क्योंकि भारत ने तो अपने 20 सैनिकों की शहादत को नमन किया, लेकिन चीन अभी तक अपने हताहत सैनिकों की संख्या को लेकर चुप्पी साधे हुए है। फिर अगस्त के अंत में इंडियन स्पेशल फोर्सेस ने पेंगोंग झील के दक्षिणी हिस्से में एक ऊंची चोटी कब्जा कर चीन को चकित कर दिया। भारतीय सैनिकों ने चीनी सेना की नाक के नीचे से रणनीतिक महत्व की चोटी हथिया ली। इसमें चीन के लिए खासा अपमानजनक पहलू ये था कि ये सैन्य टुकड़ी विशेष रूप से भारत में रह रहे निर्वासित तिब्बतियों से ही बनी है। बारूदी सुरंग की चपेट में आकर शहीद एक तिब्बती सैनिक के विधिवत अंतिम संस्कार ने चीन के जले पर और नमक ही छिड़का। इस अंत्येष्टि यानी शव यात्रा जनाजा का संदेश साफ था कि भारत चीन के खिलाफ तिब्बत का वैसे ही उपयोग करेगा जैसे चीन भारत के विरुद्ध पाकिस्तान का करता है। विशाल तिब्बत के पठार का इलाका आकार में पश्चिमी यूरोप से भी बड़ा है। 1951 में माओ द्वारा इसे हड़पने से पहले ये भारत और चीन के बीच दीवार की तरह खड़ा था।
तब से चीन ने उसे उत्पीड़न की प्रयोगशाला बना रखा है। यहाँ वह उन्हीं तौर तरीकों को आजमाता है जो उसने शिनजियांग, भीतरी मंगोलिया और हांगकांग में अपनाए। दलाई लामा तो यहाँ तक कह चुके हैं कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने तिब्बत को धरती पर नरक बना दिया है। ऐसे में हैरानी नहीं कि ऑल तिब्बतन स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की दिलेरी ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस फोर्स की स्थापना 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद हुई थी। अपनी मातृभूमि पर चीनी कब्जे के खिलाफ लड़ाई का जज्बा तिब्बतियों को इस बल से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। शी जिनपिंग को पता चल रहा होगा कि भारत के खिलाफ संघर्ष छेड़ना भले ही आसान रहा हो, लेकिन उसे किसी लॉजिकल कल्मिनेशन यानी तार्किक परिणति पर पहुंचाना टेढ़ी खीर है। अपनी परिचित शैली के अनुसार शी जिनपिंग ने खुले युद्ध के बजाय मिश्रित आक्रामकता वाली राह चुनी, बिल्कुल दक्षिण चीन सागर की तरह, जहाँ परंपरागत और गैर पारंपरिक तिगड़मों का इस्तेमाल किया गया। दक्षिण चीन सागर में तो शी जिनपिंग ने बिना एक भी गोली चलाए उसका नक्शा बदलने में कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन यही रणनीति हिमालय क्षेत्र में आजमाने से खतरनाक गतिरोध की स्थिति बन गई। क्या इस गतिरोध को तोड़ने के लिए शी जिनपिंग भारत के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजाएंगे? युद्ध से शी को निर्णायक जीत मिलने के आसार नहीं है। इसका परिणाम गतिरोध के रूप में ही निकलेगा, जिसमें दोनों पक्षों को ही क्षति उठानी पड़ेगी, लेकिन चीन की साख पर भारत की तुलना में बड़ा बट्टा लगेगा। यही वजह है कि शी जिनपिंग भारत से जंग में उलझे बिना दबाव बनाकर ही जीतने की जुगत में लगे हैं। ऐसे दौर में जब भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोना संकट के कारण अपने सबसे खराब दौर से उभरने में जुटी है, तब शी जिनपिंग ने भारत को राष्ट्रीय सुरक्षा पर अधिक संसाधन खर्च करने के लिए मजबूर कर दिया है। चीन के पिट्ठू पाकिस्तान ने भी सीमा पर संघर्ष विराम उल्लंघन बढ़ाकर भारत के लिए मुश्किलें खड़ी करने का संकेत दिया है। हालांकि ऐसे आसार बहुत दूर की कौड़ी है कि भारत ऐसे दबाव के आगे झुक जाएगा। हम उम्मीद करें कि सरकार ने जिस तरह टिकटॉक समेत चीन के बाकी ऐप पर रोक के आदेश दिए हैं और सरकारी विभागों को चीनी उत्पादों की खरीदारी से दूर रहने का जो अनौपचारिक निर्देश दिया है, उससे चीन पर डिजिटल स्ट्राइक जैसा असर होगा। हमें ये भी उम्मीद है कि चीनी उत्पादों का ये बहिष्कार जन भावनाओं का महज क्षणिक आवेग बनकर नहीं रहेगा। अब पूरे देश के करोड़ों लोग चीनी उत्पादों की जगह स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को अपने जीवन का स्थायी भाव बनाएंगे। वहीं देश के उत्पादक चीनी उत्पादों के स्थायी विकल्पों को विकसित करने का हर संभव प्रयास करेंगे। हम ये भी उम्मीद करें कि केंद्र सरकार आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घोषित किए गए बुनियादी ढांचे के विकास, तकनीकी विकास और आर्थिक सुधारों के ठोस क्रियान्वयन यानी कॉन्क्रीट एग्जीक्यूशन की डगर पर तेजी से आगे बढ़ेगी। हम उम्मीद करें कि देश की नई पीढ़ी चीन को आर्थिक चुनौती देने के लिए COVID-19 के बाद की नई कार्य संस्कृति का प्रभावी ढंग से नेतृत्व करेगी। निश्चित रूप से ऐसे पूरे रणनीतिक प्रयासों के जरिए उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप और आत्मनिर्भरता की डगर पर आगे बढ़कर चीन को आर्थिक मोर्चे पर मात देना संभव हो सकता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फ्रेंड्स, इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।